आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट। उसका फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड हीट। जैसे क्लास हमारा टॉपिक का नाम ही है टेम्परेचर एंड हीट। हम टेम्परेचर को मेयर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और हीट को मेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टॉपिक चैप्टर का नेम है थर्मल, थर्म्स का मीन से हीट है, सो हम हीट को इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर की डेफिनेशन है, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमें किस चीज के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज जो है वो कितनी ज्यादा गर्म है या ठंडी है। टेम्परेचर किसी भी बॉडी का उससे हम इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी चीज जो है वो हॉट है या कोल्ड स्टेट पे। उसके बाद एग्जांपल्स क्या है, कैंडल फ्लेम इज हॉट, कैंडल फ्लेम जो है जो मोमबत्ती या शोला होता है वो गर्म होता है, लेकिन सेट विद अ हाई टेम्परेचर और हम ये गैस जो है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसी तरह आइस इज कोल्ड, आइस जो है वो ठंडी होती है। इस तरह से हम उसको एलैबोरेट कर सकते हैं कि इट इज सेट टू बी एट लो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर लो होगा, और कैंडल फ्लेम जो है वो हॉट होती है, इसका टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। उसके बाद किसी भी टेम्परेचर की टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मेन टर्मिनोलॉजी जो आइडेंटिफाई करनी पड़ती है वो है थर्मल कंटेक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो सबसे पहले थर्मल कंटेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग को एग्जाम्पल्स सबसे पहले मैं बताती हूँ। टू स्टोर आइस इन समर, जब हम किसी भी चीज को जो है वो गर्मियों में स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको रैप किया जाता है किसी भी कपड़े के साथ या किसी भी वुडन बॉक्स में, हम उसको आसानी से रैप कर देते हैं, तो जिसके से वो चीज जो है वो अपनी स्टेट जो है वो जल्दी से जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है, उसी स्टेट पे ही वो रहती है, वो मजीद जो है वो आप लोगों की ठंडी नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर कोई ठंडी चीज होगी तो वो गर्म नहीं होगी, अगर गर्म है तो वो मजीद जो है वो अपनी ठंडी स्टेट पे नहीं जाएगी, कोल्ड स्टेट पे नहीं जाएगी। टू स्टोर आइस इन समर, इस तरह अगर हम लोग गर्मियों में बात करेंगे, अगर हम आइस को स्टोर करना चाह रहे हैं, पीपल रैप इट विद क्लॉथ, लोग जो है उसको कपड़ों के साथ किसी कपड़े के साथ रैप कर लेते हैं, कीप इट इन अ वुडन बॉक्स या उसको किसी भी जो है लकड़ी के बॉक्स में रख देते हैं। इसी तरह दे अवॉइड द थर्मल कंटेक्ट, इसमें किसी भी किस्म का हीट का जो है वो कॉन्टेक्ट नहीं होगा विद इट्स हॉट सराउंडिंग, इसके इर्द गिर्द जितनी भी कोई हॉट चीजें होंगी उसका कंटेक्ट जो है वो इस आइस पर नहीं होगा, जिसकी वजह से जो आइस है वो अपनी स्टेट जो है वो बरकरार रखेगी। इफ कंटेक्ट अकर द थिंग, अगर कॉन्टेक्ट जो है वो चीजों पर होगा तो चीजें जो है वो जल्दी से क्या हो जाएंगी, वो मेल्ट हो जाएंगी। इट मीन्स कि अगर हम लोग ये कपड़े की वजह से, क्लॉथ की वजह से या किसी भी वुडन बॉक्स से उसको रैप करते हैं तो इसमें थर्मल कंटेक्ट नहीं होता, थर्मल कंटेक्ट नहीं होता, वो चीजें जो है वो जल्दी से जो है वो अपनी मेल्टिंग स्टेट पे नहीं जाएगी। इस तरह उनका थर्मल कंटेक्ट अवॉइड करने से चीजों की जो स्टेट है वो काफी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इसी तरह क्या थर्मल कंटेक्ट और इक्विलिब्रियम की सेकेंड एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है हॉट टी की। हॉट टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हेन यू प्लेस अ कप ऑफ हॉट टी, जब हम किसी भी हॉट टी को जो है वो हम कमरे में रखते हैं तो इट कूल्स डाउन, क्योंकि वो गर्म होती है वो जल्दी से जो है वो ठंडी हो जाती है, कूल्स डाउन ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी कूलिंग स्टेट पे चली जाएगी। इट स्टॉप्स कूलिंग एज इट रीचेस द रूम टेम्परेचर, जैसे ही जो है वो अपने रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी तो वो मजीद ठंडी नहीं होगी। अब उसका जो है क्योंकि उसने अपना एक टेम्परेचर गेन कर लिया, दैट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, अब वो जैसे ही इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर पहुंचेगी तो मजीद जो है वो ठंडी नहीं होगी। दस टेम्परेचर डिटरमाइन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इस तरह जो है वो टेम्परेचर हमें किस चीज के बारे में बताता है कि फ्लो ऑफ हीट के हीट जो है वो किस तरह से फ्लो कर रही है। अब नेक्स्ट क्लास हमने इसमें मेन टर्मिनोलॉजी इसमें टेम्परेचर में हमने डिस्कस किया हीट। अब हीट क्या बेसिकली होती है, हीट इज अ एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है दैट इज ट्रांसफर्ड, जो कि मुंतकिल होती है फ्रॉम हॉट बॉडी किसी फ्रॉम वन बॉडी किसी एक बॉडी से टू अदर किसी भी दूसरी बॉडी में। मिसाल के तौर पर कोई भी हॉट बॉडी हो सकती है, हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से किसी भी कोल्ड बॉडी में इन थर्मल कंटेक्ट, जब किसके कंटेक्ट में आएगी, थर्मल कंटेक्ट में मतलब हीट के कंटेक्ट में जब कोई चीज आएगी विद ईच अदर एक दूसरे के साथ, जैसे ही वो कोई थर्मल कंटेक्ट करेंगे तो हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। अब जैसे कि हमने अभी हॉट टी की एग्जांपल पढ़ी है कि जैसे वो ठंडी होती जाएगी और उसका वो टेम्परेचर जो है वो कौन सा गेन कर लेगी, वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर गेन कर लेगा, उसके बाद मजीद जो है वो आपकी हॉट टी जो है वो मजीद जो है वो आपका टेम्परेचर जो है वो अपना ड्रॉप आउट नहीं करेगी। नेक्स्ट जो है वो इंटरनल एनर्जी है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, जब हम काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को हम सम अप करते हैं
करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं तो वो किसके मजमूए के बराबर होती है, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। जैसे क्लास में हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी की वजह से होती है। जब कोई भी बॉडी जो है वो अपने मोशन में होती है, हरकत कर रही होती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई भी व्हीकल्स, अगर हम लोग व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स जो है वो मूव कर रही है, इट मीन्स वो किसकी वजह से, किस एनर्जी की वजह से मूव कर रही है, वो मूव करती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट जो है वो इसमें हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, वो एनर्जी जो कि अगर कोई भी पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो किस एनर्जी की बेस पे कर रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। सो आज के लेक्चर में क्लास हमने डिस्कस किया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट, उसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया है टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है। टेम्परेचर के जरिए जो है हम किसी भी बॉडी के बारे में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई चीज जो है वो गर्म है या ठंडी है। और हीट में हमने डिस्कस किया है कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।